अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आज हम आपको ब्रेकफास्ट फास्ट फास्ट ब्रेकफास्ट बनाना सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, सिखा क्या रहे हैं बता रहे हैं, ठीक है। जो हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बच्चों के लिए, बच्चों ने बोला सैंडविच बनाते हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज हम लोगों को सैंडविच बनाते हैं और सबको दिखाते भी हैं और बताते भी हैं। बहुत इजी, सिंपल और टेस्टी सैंडविच है ये। सैंडविच हम अक्सर बनाते हैं बच्चों के लिए, बच्चों को बहुत पसंद आता है, बच्चों बड़ों सभी को बहुत अच्छा लगता है। बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे किचन में हमेशा रहते हैं। ब्रेड हमारे पास रहती है, कॉरिएंडर लीव्स भी रहती है, एक ग्रीन चिली हम डाल रहे हैं वो भी रहती है, गार्लिक सबके घर पे होती है, ठीक है। कैरेट हैं, ये एक कैरेट है, देखिए हमने इसको जूलियन काट करके रखा हुआ है, ये मेरे पास ब्लेड था मैंने उससे काटा हुआ है, आप इसको नाइफ से भी कट कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा बटर होगा हमारे पास, ये हमारा चिकन है, ये हमने 3 लेग पीस लिए हुए थे, इनको बॉयल करा, इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाला और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, मतलब कि 1/2 टीस्पून, और इनको बॉयल करके बॉयल कर लिया। फिर देखिए इसको ऐसे हमने करके रख लिया है थ्रेड, ठीक है। ये हमारे पास वो कैबेज है, छोटा सा कैबेज था, इसको हमने 1/2 कैबेज कट करके देखिए यहाँ पे रख लिया हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मायोनीज है, मायो चप, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो मायो और कैचअप को बना के मायो चप बन जाएगा। मेरे पास गार्लिक भी है, देखिए इसमें से क्या यूज़ होता है, क्योंकि बच्चों की पसंद डिफरेंट डिफरेंट है, उनके हिसाब से बन जाएगा। और आप चाहें तो इसमें ग्रीन चटनी मेरे पास है, एक सैंडविच हम उसका भी बनाएंगे, बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं मिर्चा, तो इसलिए हम ये सारी चीज़ों से बना रहे हैं और इंशाल्लाह भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने अपने पॉट में थोड़ा सा ऑयल डाला, 2 स्पून के करीब होगा ये, ठीक है। आप चाहें तो बटर में बना लें, हम इसको रिफाइंड ऑयल में बना रहे हैं, आप चाहें तो इसे ऑलिव ऑयल में भी बनाएं, बहुत अच्छा आता है। देखिए मैं गार्लिक यहाँ पे काट के रखे हुए 4 से 5 हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा करना है, कुछ भी कलर नहीं लाना है, थोड़ा सा अच्छे से हो जाए। हमारा गार्लिक हो गया, ये हम अपनी कैबेज डाल देते हैं इसमें, खूबसूरत खूबसूरत सी कैबेज है हमारी, ठीक है। अच्छे कैबेज के यहाँ पे सीजन नहीं है, इतनी अच्छी मिल नहीं रही है, फिर भी बहुत सारे मंगान के मिल गई। चिकन है हमारा, ठीक है, ये एक कैरेट है, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया हुआ है, ये हमारे पास 1 जो ग्रीन चिली थी उसको हमने कट करके डाल दिया है। आप चाहें तो ब्लैक पेपर भी डाल दें, बच्चे घर में थोड़ा ब्लैक पेपर कम पसंद करते हैं, इसलिए नहीं डाला हुआ है, तो आप ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्ट हमने डाला हुआ है, हम टेस्ट कर लेंगे बाद में, ठीक है। अभी को थोड़ा सॉफ्ट होने देते हैं, फिर आपको दिखा। ये देखिए जो हमने बनाया हुआ था, ये कैरेट और कैबेज का, ठीक है, ये हमने निकाल लिया था, इसमें कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ हमने इसमें थोड़े से हरी धनिया डाली हुई थी और इसको निकाल इसलिए लिया था कि ये थोड़ा ठंडा हो जाए, ठीक है। इसको हमने रूम टेम्परेचर में बाहर जाके एसी में थोड़ा रखा और ये ठंडा हो गया, इतना ठंडा तो नहीं हुआ है लेकिन फिर भी हो गया है, क्योंकि लेट हो रहे हैं आज हम, ये हमारी बेटी तुवा रानी थोड़ा लेट से उठी है, हम लोग ने भी नहीं जगाया इनको, ये उठी तो बोली कि हमें क्यों नहीं जगाया, ये 11 से 11:30 के बीच में। ये देखिए हमारा थोड़ा सा यहाँ पे मोज़रेला चीज़ है, इसको डाल देते हैं, ठीक है, और अच्छा टेस्ट आएगा इससे, चीज़ से तो वैसे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ठीक है। अगर आप ये मिर्चा खाते हैं तो आप थोड़ी सी इसमें ग्रीन चटनी भी मिलाएं, मेरे बच्चे नहीं खाते हैं तो इसलिए हम नहीं मिला रहे हैं, तो ये तुवा की वजह से आज थोड़ी लेट हो गए हम। उन्होंने खैर कहा हमसे कि आपने क्यों नहीं जगाया, हमने कहा अरे भाई इनके क्लासेस शुरू होने वाले हैं 2 दिन के बाद से, तो इनको 8 बजे उठना है, तो हमने कहा चलो भाई सो ले, तो ये सो रही थी, तो इसलिए नाश्ता भी देर, खाना भी देर, इसमें मेरे लंच की भी तैयारी हो रही है। इसमें हम थोड़ा सा यहाँ पे एक सैंडविच हम ऐसे ही बना के चले आपको दिखाते हैं, ये थोड़ा हमने बटर लगाया हुआ है, थोड़ा सा सॉस इसमें लगाएंगे, और ये यहाँ पे गार्लिक मायोनीज है हमारे पास, आपके पास प्लेन है तो आप प्लेन भी लगा लें, लेकिन मैं थोड़ी सी लगाई, ठीक है, इसको भी हम लगा देते हैं, ठीक है। तो ये जब दोबारा रानी हमारी उठी तो फिर उनके लिए हमने कहा चले ब्रेकफास्ट बनाते हैं, और ठीक है ये हमारे जो हमारा मिक्सचर है ये हम थोड़ा सा इस पर डाल लेते हैं,
ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्टी है, कुछ भी नहीं पड़ा है। आप चाहे तो उसमें ब्लैक पेपर डालेंगे बच्चे खाएं, और ना भी डालें तो बहुत अच्छा है। इसमें एक हरी मिर्च डाली हुई है। आज सब बड़ा लेट काम है ना, तो बड़ा दिमाग ख़राब है भाई। लंच की भी तैयारी हो रही है साथ में, ब्रेकफास्ट की भी तैयारी हो रही है, ये लेट उठने के नतीजे होते हैं। खैर, हम लोग उठते हैं मॉर्निंग में सुबह सब 5 बजे, लेकिन उसके बाद जब मेरे हस्बैंड चले जाते हैं तो फिर हम लोग सो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं फिर, लेकिन उठते हैं। लेकिन आज तूबा हमारी सो रही थी माशाल्लाह से, हमारे अब्दुल्ला भी सो रहे थे, तो सब तैयारी हमने करके रखी हुई थी, सब कट वट करके सब करके रख लिया था कि बस सुबह उठेंगी तो नाश्ता भी रेडी होगा इसी के साथ, और आप लोगों के साथ बातें भी होंगी प्यारी प्यारी सी ब्रेकफास्ट वाली। ठीक है, देखिए कुछ नहीं करा, इसमें भी थोड़ा सा सॉस लगाते हैं। लंच की भी तैयारी हो रही है, लंच में आज हम क्या बना रहे हैं, काली वाली दाल बोलते हैं, खड़ी मसूर की दाल, ठीक है, और सब्जी बना रहे हैं। सब्जी आज हमको दिखाने का इरादा था आपको कि हम आपको बना के दिखाएंगे क्लस्टर बीन्स की, उसको गवार की फली भी बोलते हैं, हम भी फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, इंशाल्लाह अगर टाइम होगा तो दिखाएंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। ब्रेकफास्ट से काम चलाइएगा, फिर किसी दिन लंच में मिलेंगे। ठीक है, देखें इसको ऐसे करा, ठीक है, हल्का से इसको प्रेस करा, देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह से, खूबसूरत खूबसूरत से खुशबुएं नहीं आई लेकिन अभी आने लगेंगी इंशाल्लाह। और थोड़ा सा बटर यहाँ पे भी लगा देते हैं, वही थोड़ा सा मैं लगाया, देखिए ये हमारे पास छोटा सा पैन है, आज हम लूडू हम लोग गए हुए थे फ्राइडे में तो वहाँ से लेके आए थे। अगर आपके पास नहीं है प्लेन पैन है घर में जो हम यूज़ करते हैं, आप उसमें भी बनाएं बहुत अच्छा बनेगा। मेरे पास नहीं था तो उसी में बना रहे थे, लेकिन आज हम खरीद मतलब लेके आए तो आज इसमें भी बिस्मिल्लाह करते हैं। ये देखिए, ठीक है, मेरी प्लेन बिल्कुल स्लो है, इस पर जो है इसके जो ग्रिल के वो डिज़ाइन आ जाएगा ना तो बड़ा खूबसूरत लगेगा। ठीक है, इसको हम 2 मिनट के लिए सेकते हैं फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए एक सैंडविच हमारी बन के रेडी हो गई है। ठीक है, मैं इसको निकाल लिया हुआ है, इसको हम कट कर लेते हैं और अभी कट कर लेंगे। ये देखिए कितने अच्छा लग रहा है, क्रंची क्रंची सी आवाज़ें आ रही है, देखिए वाह कितना खूबसूरत हमारा सैंडविच लग रहा है ना, ये देखिए। ठीक है, देखिए मेरे बच्चों को हमारी तूबा तो खा लेती हैं, हमारे छोटे जो हैं अब्दुल्ला हमद हसन वो थोड़ा बड़े नकरीले हैं, तो ये थोड़ा सा हमने अलग निकाल के इसमें थोड़ी ऑलिव्स डाली हुई, ऑलिव्स डालेंगे यहाँ पे हमारे पास ग्रीन और ये ब्लैक ऑलिव्स हैं, अगर आपके पास हैं तो डालें, नहीं है तो कोई बात नहीं, ये तुम थोड़ा चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसमें थोड़ी डाली और थोड़ी निकाल के अलग रखी हुई है कि खैर वो नहीं खाते हैं तो उनके लिए हम ये डालेंगे। ठीक है, और इसमें सब में हम मिक्स कर लेते हैं एक साथ। ये देखिए इसमें थोड़ा केचप डाला, थोड़ी ये गार्लिक डाली, गार्लिक वाली मायोनीज। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी हमारे पास क्रीम, आपके पास क्रीम है तो क्रीम भी डाल दें, मेरे पास भी है, मैंने डाली है। ठीक है, थोड़ी सी प्लेन क्या है, क्लासिक है सॉरी। ठीक है, क्लासिक मीन्स यहाँ पे प्लेन वाली है हमारे पास, इसको भी हम अच्छे से सबको मिक्स कर देते हैं, अब ये सब एक साथ काम हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए कितना खूबसूरत खूबसूरत सा लग रहा है ना, वैसे ही खूबसूरत इंशाल्लाह खाने में भी लगेगा, इसमें हमें कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बटर हमने इसमें लगाया हुआ है, बस यहाँ पे हम फिल करते हैं। ठीक है, ये तूबा बाजी का है, हमारे हमद अब्दुल्ला हमद हसन कभी कभी प्यार से अपनी अप्पी रानी को अप्पी रानी बोलते हैं, कभी कभी तूबा बाजी बोलते हैं, तो हम लोग भी प्यार से कभी कभी तूबा बाजी बोलते हैं इनको। ये देखिए, तो आज तूबा बाजी की वजह से सब कुछ लेट काम चल रहा है हमारा, लंच भी लेट बन रहा है, ब्रेकफास्ट भी लेट लेट बन रहा है, खैर कभी कभी हो जाता है, बच्चे हैं, आज 2-3 दिन छुट्टी के बच्चे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, फिर 8 बजे उठ के क्लास करेंगी बेचारी। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारे स्लाइस हैं खूबसूरत खूबसूरत से, इनको भी लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे भी थोड़ा बटरिंग शटरिंग कर देते हैं, थोड़ा ही सा देखिए हम लगा रहे हैं, ये तूबा बाजी का है अब्दुल्ला का हम का हमारे रेडी है, क्योंकि वो ऑलिव्स नहीं खाते हैं। ये देखिए, ये हमारे किसी व्यूवर्स ने भी हमारे पास कमेंट्स में कहा था कि हमें सैंडविच बताएं, तो उनके लिए भी है, वो भी देख लें। थोड़ा सा पैन आपके पास नहीं है ये वाला, तो आप उसी पैन पे
बनाए रमजान में, हमने उसी पैन पे ही बनाया हुआ था। ये तो अभी हम लाए हैं, बस ये बिस्मिल्लाह हो रही है इस पे, ठीक है। उस पे भी बहुत अच्छा बनता है। फ्लेम अपनी हमने ऑफ कर दी थी, इसको हम स्लो कर लेते हैं, ठीक है। इसको होने देते फिर आपको दिखाते हैं। देखिए मेरी खूबसूरत खूबसूरत सी सैंडविच तैयार हो रही है। ये थोड़ा सा ब्रश से ऊपर से थोड़ा बटन शटनिंग भी कर देते हैं, ठीक है। सैंडविच भी खुश, बच्चे भी खुश, हम भी खुश, आप भी खुश, सब खुश, ठीक है। खाएं पिएं, खुश रहें, सेहतमंद रहें, दुआ में याद रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ठीक है। ये देखिए ब्रश नहीं है, नो प्रॉब्लम, स्पून स्पून से लगाएं। ये सब तो सब तरीके हैं आजकल के, नहीं तो हमारी अम्मी या जो हमारे घर के बड़े लोग थे, अम्मी लोग, उनमें ये सब चीज़ें तो नहीं थी। जो भी ये बनाया, और कितना टेस्टी, मेरी अम्मी खाना बहुत टेस्टी बनाती थी विदाउट वो। कल हम क्या बता रहे थे आपको, मीठा इतर इतर और केवड़े के बगैर भी बहुत अच्छा खाना बनाती थी, बहुत टेस्टी खाना बनाती थी। अभी भी हम जब जाते हैं तो अम्मी से कहते हैं बनाए कुछ दिख बनाए मेरे लिए, लेकिन बनाने के लिए खड़ी होती हैं, लेकिन फिर जो है एक दो होके ख़त्म हो जाता है, हो गया मेरे लिए। खैर बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बनाती थी मेरी अम्मी, अब नहीं बनाती भाई, अब आराम करती हैं माशाल्लाह से। खैर ठीक है, देखिए कितना खूबसूरत खूबसूरत से सैंडविच तैयार हो रहा है ये, ठीक है। इसको पलट के देख लेते हैं, अगर आपको ऐसा मिल जाए, हाँ वाओ कितना अच्छा हो गया है, ठीक है। हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारे खूबसूरत खूबसूरत से सैंडविच बन के तैयार हैं। हमारे अब्दुल्ला हम भी आ गए दौड़ते हुए किचन में अपने सैंडविच खाने के लिए। आइए, थोड़ा बिजी हैं बेचारे, टीचर्स डे का अपनी टीचर मैम के लिए, मतलब हम इनकी मैम हैं, उनके लिए गिफ्ट बना रहे हैं सुबह से। सुबह से क्या, जब इनकी सुबह हुई 1 बजे उस टाइम से, ठीक है। अभी इनको पता चला कि सैंडविच तैयार नहीं है, तो बाबा जी का सैंडविच बता रहे थे ब्लैक वाला है और मेरा ये वाला है। ये थोड़ा सा वो हो गया था, फर्स्ट वाला था, इंशाल्लाह जो भी बन रहा है वो अच्छे बनेंगे, ठीक है। ये देखिए एक हमारा रेडी भी है इस पे, अभी हम उसको पलट देते हैं। बहुत टेस्टी हैं, बहुत अच्छे हैं, सारे सामान हमारे घर में है, हमारे किचन में है। अभी ये यमी यमी सही हम लोग खाएंगे, वाह अभी से मेरे मुँह में पानी आ रहा है, ठीक है। हम खाएंगे इंशाल्लाह, ये थोड़ा सा तुबा बाजी वाला ब्लैक हो गया है, कोई बात नहीं, इसको हम पलट के दिखा देते हैं आपको, ठीक है। ये देखें खूबसूरत खूबसूरत सा, ठीक है, अब अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब्दुल्ला हम हसन खड़े हैं कि मामा जल्दी से लाएं, दें हम खाएं सैंडविच खूबसूरत से, ठीक है। रेडी हमारे प्यारे प्यारे से सैंडविच, बहुत अच्छे हैं, बहुत टेस्टी हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे किचन में, हमें कहीं भी बाहर नहीं जाना। नाश्ते में बनाएं, शाम के नाश्ते में बनाएं, किसी भी वक्त बनाएं, जब मन हो खाएं, पार्टी शार्टी करें, खुश रहें, दिल खुश करें, पेट खुश करें, और खूबसूरत खूबसूरत सा सैंडविच खाएं अपने खूबसूरत खूबसूरत हाथों से। सब्सक्राइब्स करें, और सब्सक्राइब के पास एक बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस करें कि हमारी जो भी रेसिपी है वो फटाफट आप तक पहुंचे, ठीक है। लाइक करें खूबसूरत हाथों से, शेयर करें खूबसूरत हाथों से, ठीक है। आज नाश्ते में सिर्फ इतना ही है, अभी इंशाल्लाह अगर टाइम होता है तो लंच में भी आपसे मिलते हैं, आपको सब्जी बताते हैं जो बनाने जा रहे हैं, नहीं तो फिर किसी दिन और मिलते हैं, ठीक है इंशाल्लाह। आज के लिए शमा के किचन से आपके लिए सिर्फ इतना ही है, बहुत अच्छा है इतना भी, ठीक है। खाएं, एंजॉय करें, बहुत खुश होंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।